राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों की मौत राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मामले में नेताओं के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुसाइड मामले में नेताओं की ओर से आ रहे स्पष्टीकरण से ये पता चलता है कि जमीनी हकीकत से कितनी दूर है। कोटा में 25वें सुसाइड मामले के बाद राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अफेयर में नाकाम होने पर छात्रा ने सुसाइड किया। इस प्रकार का वाक्य हम रोज सुनने को मिलता है, आए दिन सुनने को, रोज तो नहीं लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है। आपको सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या का कारण यह था कि उसने लेटर छोड़ा वो तो किसी लव अफेयर के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहाँ पर हुई हैं उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। कई बार ऐसे भी सुसाइड हुए हैं जो आए 15 दिन रुके, 15 दिन में सुसाइड कर लिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड हो पाया? तो इन सब कारणों को देखते हुए हमने ये सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनना चाहिए जिससे कि उनका टेंशन कम से कम। ऐसा भी हमारे पास ऐसा कोई नहीं, सुसाइड नोट वगैरह की कोई जानकारी नहीं अभी, और जांच जारी है। मंत्री ने जो बोला गलत बोला है, मंत्री ने बोला जो गलत बोला है नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो जांच है अभी पीएम कराएंगे। This is not the first time that some minister from Rajasthan government has made some irresponsible comment. Few days back also when we were, you know, reporting for Kota, when two students died, there was another minister, Govindra Meghwal, who said that mobile phones are the reason for these students to take their lives. And now this minor has, you know, killed herself. And there was a program yesterday for Chambal Riverfront opening, and he was interacting with the media where he said that she died due to love affair. But when we spoke to the police denied of the same, and they said that they don't have any knowledge of any letter that has been kept by the girl that has committed suicide. And if they got a letter as an evidence, we asked the CI also, a senior officer also, and he also said that he would not like to make a comment on the same as of now. And the girl's father has claimed that his daughter was not like this, and she just spoke, you know, half an hour before killing herself.